खबर कन्नौज से, आवासीय महिला विद्यालय की वार्डन बनी शैतान। जी हां, कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय में बच्चियों पर जुल्म। जालिम महिला वार्डन बच्चियों से जानवरों जैसा सलूक करती है, विद्यालय की बच्चियों को बेरहमी से पीटती है। तानाशाह महिला बच्चियों को न खाने देती है न दवा देती है, बच्चियों को डायन कहकर बुलाती है। जालिम महिला वार्डन। बच्चियों ने रो रोकर अपने ऊपर हुए जुल्मों की कहानी सुनाई है। बीएसए ने वार्डन का वेतन रोक दिया है और जांच की बात, कार्रवाई की बात कही है। छिबरामऊ क्षेत्र में यह कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय है। और सब बीमारी हो तो दवा लेने जाते, एक्सपायर दे देती हूँ, भगा देती, देती भी नहीं, ना टीवी देखने देती कुछ, ना ढोलक वोलक कुछ भी नहीं बजाने देती। हम लोग जाते हैं तो भगा देती है डंडा लेके। सर, उस दिन मेरी आई थी, उनके जाने के बाद हम लोगों को धमकाया गया। उनका कष्ट हुआ, पिता को कष्ट हुआ, यह सुन करके हमको भी कष्ट हुआ। और इन्हें हमने जो है वार्डन को जो है प्रथम दृष्टया दोषी माना, तो इस आधार पर इनके जो है मान ले जो वेतन है उसके हम पटोल लगाते हैं, और जो भी जो बिंदु है उस पर जो है हम गहनता से जांच करेंगे, और उस जांच में अगर जो जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी।